नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं आईपीपीबी यानी भारतीय डाक विभाग में निकली हुई भर्ती के बारे में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि इंडिया पोस्ट यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट का नाम के साथ साथ एज लिमिट क्या है और ऐसी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे और साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है उसकी भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पीडीएफ जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हो फंक्शन जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, पोस्ट का नाम है चीफ मैनेजर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ग्रेड SMGS स्केल 4 और रेगुलर प्रोसीजन है। तो आपकी जो पे स्केल है 4 स्केल के आधार पर जो आपको पेमेंट होना जरूरी है उसके आधार पर मिलेगी। वैकेंसीज कितनी है उसकी जानकारी यहाँ पर देखी आप देख सकते हो। तो देखा जाए तो कुल 15 पोस्ट है यहाँ पर। AGM चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर DGM, ब्लैक ऑफिस ऑपरेशन, इंटरनल ऑडिट SMGS 4, ऐसे बहुत से पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। HR है, प्रोडक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग, चीफ मैनेजर मर्चेंट प्रोडक्ट, चीफ मैनेजर, AGM रेगुलेटरी ऑपरेटर, AGM अकाउंट्स। और स्टार्टिंग डेट के पहले देख लेते हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए क्या है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 24/2018 यानी 24 जुलाई तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और 24 जुलाई के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो ये पहला पीडीएफ है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आगे डाउनलोड हियर पर क्लिक कर उसे लोड कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको लोड करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसके ओर हम जाएंगे। पर उसके पहले हम देख लेते हैं और क्या पीडीएफ में मिल रहा है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ये जो पीडीएफ है जारी किया गया है और इसमें आप देख सकते हो स्टार्टिंग जो डेट है अप्लाई करने की जो कि 26/6/2018 से 10/7/2018 तक थी और उसे एक्सटेंड की गई है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है ये जान ले कि एक्सटेंडेड डेट जो है वो है 24/2018 जो पहले 10 थी। और इस पीडीएफ में आपको पूरी जानकारी और बड़े विस्तार में मिल जाएगी। जो नेम्स एंड ग्रेड्स ऑफ पोस्ट विद रिक्रूटमेंट इज प्रपोज अलॉन्ग विद द कैटेगरी वाइज जनरल जानकारी है। पोस्ट की वापस एक बार जानकारी बताई गई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेक्टर, फाइनेंस और TGS, टोटल वैकेंसी मेंशन अबव और इंडिव एक्चुअल वैकेंसीज में वेरी अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट है। जो वैकेंसीज है बढ़ भी सकती है आगे। और जॉब प्रोफाइल्स एंड कंपेंसी स्किल रिक्वायरमेंट उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी बताई गई है। और फाइनेंस AGM रेगुलेटरी रिपोर्टिंग SMGS 4 और फाइनेंस चीफ मैनेजर प्रोसीजरमेंट SMGS 4, SMGS 4 ग्रेड है, स्केल भी 4 है। तो कुछ इस तरीके से ये भर्ती हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है और बड़े विस्तार में यहाँ पर जानकारी बताई गई है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल आपको यहाँ पर कितना मिलेगा तो TGS 4 ग्रेड जो पोस्ट है उसके लिए आपको 68,680 रुपीज से 76,520 रुपीज वेतन मिलेगा। टोटल मंथली CTC है जो आप यहाँ पर देख सकते हो 218,294 जो कि 218,294 है। और SMG 4 उसके बारे में भी जानकारी बताई गई है। तो आपको पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर जानकारी बताई गई कि आप किस तरीके से पेमेंट पा सकते हो। प्रोबेशन पीरियड कितना है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। पोस्टिंग ट्रांसफर जॉब रिटेनेशन ट्रांसफर्ड मूव टू रोल्स एट डिस्क्रिशन IBP और वेरियस ऑफिसर्स ऑफ IBP फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी आपकी पोस्टिंग भी हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है बेसिस ऑफ इंटरव्यू है और बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट असेसमेंट ग्रुप डिस्कशन एंड ऑनलाइन टेस्ट। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन टेस्ट आपको देनी होगी पर आपका जो मेन सिलेक्शन होगा इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के द्वारा होगा। तो ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है उन्हें ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फी आपको भरनी है जो कि 150 रुपीज़ है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। और फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है 750 रुपीज़ यानी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इंश्योर एलिजिबिलिटी में पेइंग द फी अप्लाइंग ऑनलाइन है, फी पे करने के पहले आप एलिजिबिलिटी अच्छी तरीके से चेक कर ले जिससे आपको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी अप्लाई करने में। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन यूज निश्चित कर सकते हो। यू सब्सक्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम्स के बारे में जानकारी बताई गई है। गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पल्सी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोसीड एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं तो प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटर, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड, प्रूफ ऑफ डेट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और SSLC
स्टैंडर्ड 10th और डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर लानी है। डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एस पासपोर्ट, आधार, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोज, इनमें से किसी डॉक्यूमेंट्स आपको लाना होगा। मार्कशीट्स आपके लाने होंगे। तो कुछ इस तरीके से यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हो। अब बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी निकली है और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, जिससे आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करिएगा। ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।